स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। फिर से तो क्यों फंस गया, फिर से फंस गया था। ऐसा क्या लियो जो फंस जा रहा है बाद में? लड़ुआ लगाया यार भैया। फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको देखने को मिलती है खूब सारी बकचोदियां विदाउट एनी एड ब्रेक्स। तो बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा कंटेंट। कंटेंट तो नहीं दिखाओ ना, नहीं हम पे है ही ना। तो भाई क्या होता है इनको जो लाए हम लोग? हाँ, क्या लेके आए? एक नया इंसान को टारगेट कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस को मेनली। हालांकि उसकी ऑडियंस उतनी है नहीं, बट बात ये है कि उसके फैंस कम है, उसके अप्रिशिएट करने वाले लोग ज्यादा मुझे लगता है। हाँ, है ना। बाकी आदमी बढ़िया है, अंधभक्त नहीं है उसके। मेरा तो जो मतलब उसका ऐसा अच्छा किया तो अच्छा बोल दिया, खराब किया तो खराब बोल दिया। ये नहीं उसके लिए मारकाट करने को तैयार है। हाँ। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं उसके, जनवन लोग अनपढ़ नहीं है सलमान शाहरुख के फैन जैसे। हाँ। ठीक है। बस वो एक और चूतिया आ गया ना सलार वाला प्रभास। समझ रहे ना तुम, प्रभास वाले भी अनपढ़ लगे लाते हैं। तो भैया इन लोगों का आज एक आया है टीजर, जीतेगा तो जिएगा। क्रैक जीतेगा तो जिएगा। क्रैक क्या है? बट क्रैक तो नहीं है कहीं जो हिमालय पे दिख गया था? तो फट ही दिया गया वो बट क्रैक तो वो होता है ना जो पुट्ठे डिवाइड रहते हैं। हाँ, तो गांड फटी है। और क्या इसकी क्रैक पड़ गया पूरा चिट्ठी ठंडी ज्यादा थी ना। तो ये इसको बोलते हैं बहुत मस्त मार्शल आर्ट करने वाला है। बट मानते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां कर देता है। बट इसने ऐसा गलती किया है ना जो एक स्टंट करना वाला शायद ही करेगा मेरे हिसाब से। मैं नहीं कर पाता हूँ तो मेरे को मत बोलना है माता, तो तुम नहीं कर पाते तुमसे वो भी नहीं होगा। फ्रंट फ्लिप कर लेता हूँ, ब्लैक फ्लिप नहीं कर पाता हूँ। क्या कर देता? ब्लैक फ्लिप मारा था, तीन मार गया लगातार, गिर गया। पार्ट किया। अभी तो निप कर ले रहे आजकल। वही तो यार, तो टिकटॉकियों का काम हो गया इसीलिए शायद वो गिर के डिक्रीज कर दिया इस चीज को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में? डू नॉट एंडेवर टू रिप्लिकेट और परफॉर्म एनी स्टंट और एक्शन डिस्प्लेड। These have been executed by trained athletes. हमको क्या मतलब मैदचो, तुम बाहर के बीच से निकल जाओ, हम नहीं जा रहे। बाकी जो चूती होंगे जो करें आगे। और ये अगर कोई कर रहा है तो करने दो। वेरी नाइस पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान, इसके लिए तुम डिस्क्लेमर दे देते हो। ये मानेंगे भी नहीं। हाँ। तुम लिख जाए जितना दो। हाँ। ये भी अपना काम कर रहा है भाई, ये काम नहीं करना चाहिए इनको। करना चाहिए कि वी एनकरेज यू टू डू दिस एनी हाउ यू शुड नॉट, बट ऐसा देख बढ़ती आबादी को देखते हुए हम आपको कहते हैं कि आप ये ट्राई करिए और घर से बाहर निकले करो। घर में करोगे तो बचने के चांसेस हैं, बाहर निकले करो सीधा ठुक के मारो मारा। तो इसी गाली गलौज के साथ तो ये बात कर रहे हैं। इतने चूतिया चूतिया लोग मूवी देख देख के चीजें करते हैं फेस में, और इनको बाद में ये सब चीजें लिखनी पड़ गई। वही तो, पब्लिक कम हरा में नहीं है, पब्लिक तो गिरी हुई है एकदम। चलो फिर स्टार्ट करो। लेकिन असली प्लेयर वही जो जिंदगी के साथ खेले। सिर्फ एक रूल है, जीतेगा तो जिएगा। डर नहीं, डेयरिंग से खेलता हूं और दिमाग से थोड़ा।
ये मुझे पता किसके साथ आवाज दिया, एक मूवी नहीं है पुरानी आजमा लक आजमा, जिसमें लक आजमाते जिंदा रहते हैं, फिर उसको देख के कॉपी किया कोरिया वालों ने स्क्विड गेम्स, फिर अब विद्युत जाम वाले वाला हम थोड़ा सा इसमें और इनोवेशन करते हैं, जीतेगा तो जिएगा इस टैगलाइन से मेरे को लग रहा है, मैं गेस कर रहा हूँ, ये नहीं तुम मां तो कहीं से रट के आ गए हो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, ये फैंस जो है ना जो आते हैं कमेंट करने, पढ़ना ही पड़ेगा क्या, ये कहीं से इंटरनेट से पूरा पढ़ लेंगे पहले जाके कि स्टोरी लाइन क्या है, फिर आके यहाँ ज्ञान दे देंगे कि ओ माय गॉड। मैं तो अपना काम ये है कि जो दिखे बोल दो, जो दिखा बोल दो, गाली बको लगाता तुमको जो दिखा तुम बोल दो, तुम बोल दो तो रोकते नहीं है, क्या लग रहा है वही भाई एक्शन जो हमेशा से करते आया है ना, मतलब थिएटर में लोग कम देखेंगे, इसके थिएटर में वैसी ऑडियंस जाएगी ना जो कॉर्नर सीट ढूंढ के जो मजा एडी करती है ना, मूवी देखने कोई नहीं जाएगा, बाद में जब टीवी पे आएगी तब लोगों को अच्छा लगेगा देखने के लिए, बाकी सिंगल लड़के तो जाते ही रहते हैं देखने के लिए, बाकी लौंडे हैं जो और लोग हैं जिनको एक्शन पसंद, पसंद है और ऐसा नहीं, मगर लोगों को एक्शन फिर किस कैसा पसंद है, सलार जैसा एनिमल जैसा, इसका एक्शन फिर भी वर्थ इट होगा देखना, ये करता है ऐसा स्टंट करता है अच्छे खासे, देखिए इसमें लास्ट वाला स्टंट जो था साइकिल वाला, उसमें मुझे लास्ट फ्रेम तो ऐसा लगा रहा है पैडल के पास पैर नहीं पहुंचे, और पहुंचा भी नहीं था, काट दिया वहां से, एडिट किया फिर, तो ये सब तो खैर चलता रहता है, शूटिंग वोटिंग हम लोगों ने कोशिश की ये सब चीजें करने की, ये सब चीजें करने की, लेकिन शूटिंग में क्या होता है, लोग थोड़ा थोड़ा तो हिट है। तो फिलहाल क्या कहना चाहोगे ट्रेलर का, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये मूवी मिड में रह जाएगी, मतलब प्लॉट एक तरीके से वही लग जैसे ही मुझे लग रहा है, या फिर कोई ऐसा होगा जैसे एक मूवी है डेथ रेस करके, रेसिंग करनी होती है जिंदा रहो, फिर एक और मूवी है क्या नाम है उसका, ऐसी जिसमें एक लड़की रोबोट वाला सीन रहता है, उन लोगों में भी रेस होती है, सभी दूसरे को मार रहे होते हैं, जो आखिरी में जिंदा वो जीत गया, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, भरपूर स्टंट्स एक्शन सीन्स फाइटिंग विथ वही एक प्लॉट स्टोरी, मतलब पहले बदल जाएगी ये गेम है इसमें पार्ट करना है, फिर अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आते रहेंगे, अलग अलग से फिर भी थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है, काफी टाइम बाद देखेंगे तो चलो ठीक है देख लिया जाएगा लैपटॉप पे ही, ओके देखने जाएंगे वहां, पागल हो गए तुम लोग, इतना पैसा भी तो नहीं आ रहा हमारे पास कि हम एक मूवी पसंद करके भी देखना चाहें वो भी नहीं देख पाएंगे, नहीं मगर इनको तो लग रहा है ना कि झोली भर दी हुई भैंस हमारे पास, अगर इतना पैसा आ रहा तो हनुमान देखने जाते हैं हम लोग, वो ये भी देख सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं जा सकते हैं, वो दोनों नहीं जाएंगे ना, मतलब ये नहीं बनता है, पागल थोड़ी है मादरचोद, तो ये मूवी ना हिट है ना फ्लॉप है, ये मिड में रह जाएगी, मिड में यही है कि इतना पैसा लगाएगी उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के अपना, हाँ बस ये नहीं कि 100 लगाए 1000 ले गए वो वाला सीन नहीं, 100 लगाए डेढ़ दो में खुशियां, ये मूवी वो है जैसे नहीं अपने बचपन में यूटीवी एक्शन करके एक सीन आता एक्शन मूवीज आया करती थी, तो ये उसी के लिए है कि अपना लगा के छोड़ दिया कुछ कुछ करते रहो साइड में, काम करते रहो ये करते रहे, अच्छा अच्छा ये हो गया, फिर भी इसके पास कुछ तो है कि हाँ काम करते करते चलते तो रहे, बाकी जिनकी तुम प्री बुकिंग करके देखने जा रहे हो ना थिएटर में आग लगनी चाहिए जिसमें लगा हुआ है वो, अब होना चाहिए सही में बॉयकॉट, पहले तो जो सही सही मूवीज निकल रही थी उसमें तुम बॉयकॉट करते थे, अब करो बॉयकॉट उल्टी सीधी मूवीज के लिए, खैर सभी जाटू मूवी थी पहले बॉयकॉट का सही था, अभी चलना चाहिए था इंस्टा का मीम मर जो है ना वो सबसे ज्यादा बिका हुआ आदमी है, सबसे ज्यादा उसको सिर्फ एक पौगा पनीर तुम लाके रख दो सामने वो हमारे गांड को ले खड़ा हो जाएगा कि लो भैया मार लो बताओ क्या डालना है, वो तो किसकी गांड फाड़ दूंगा, वो वाला नहीं है भाई जी बताइए किसी गांड फाड़ना फाड़ना बताइएगा, एक मिनट के टीजर में ऐसा मां चोक दिया हम लोग इस बार, तो भैया वही है मूवी मिड में रहेगी मेरे हिसाब से, बाकी चले जाना एक्शन एक्शन पसंद करो तो हाँ एक्शन पीछे थोड़ा बहुत सीन डाल देंगे प्यार यार के भी ये लोग, हाँ नूरा फतेही है गाड़ी ला देंगे मस्त से, हाँ तो मतलब इसमें वो भी होंगे म्यूजिक में आइटम सॉन्ग बढ़िया वाला होगा, मैं नूरा फतेही तो मुझे ये लड़की पसंद नहीं है भाई, तो जब से इसका वो दिखा दिया ना और क्या मीमर्स में पॉज कर करके जब ऐसे ऐसे करके ले गई थी तो इधर पे ही पॉज कर दिया, फिर दिखा कुछ रगड़ा लगा हुआ सब, अरे वो सब तो छोड़ा था मुझे तो, मतलब स्टार्टिंग से नहीं पसंद थी वो, पसंद तो कभी नहीं आई, पता नहीं लोग क्यों इतना, लोग चूतियां हैं,
उनको सिर्फ और सिर्फ देखना बड़ा बड़ा चीज किसी का यू चिज्जी देखते हैं चीजी सीजी। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि 1 मिनट की वीडियो में 10 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दी हमने और कुछ काटने का भी नहीं है, ऐसे बात की हम लोगों ने। तो यहीं पे खत्म करते हैं तीसरी बार। चलो भाई सायोनारा।